हिमाचल प्रदेश आबादी के हिसाब से एक छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन इस राज्य के युवा देश के खातिर बलिदान देने में हमेशा आगे रहे हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर शिमला के अन्ना डेल में आयोजित तो विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 1971 के भारत पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर अन्नाडेल में आयोजित विजय दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि ये हमारे लिए गौरव का दिन है और ये देश हित में हमारे महान सपूतों द्वारा दिए गए बलिदान को याद करने का भी दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान के साथ 13 दिन तक चली लंबी लड़ाई के बाद जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 93,000 से अधिक सैनिकों ने भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हार स्वीकार कर आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के बहादुर सैनिकों ने भी इस युद्ध में वीरता का इतिहास रचा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के वीर सैनिकों ने हर युद्ध में अदम्य साहस दिखाया है और राष्ट्र की सरहदों की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने से भी नहीं चूके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। लाखों सैनिक भारतीय सेना में हिमाचल प्रदेश के सेवाएं दे रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कारगिल युद्ध में कुल 527 शहीदों में से 52 हिमाचल प्रदेश के थे और 2 परमवीर चक्र हिमाचली सैनिकों द्वारा जीते गए थे। उन्होंने कहा कि ये हिमाचल के लिए गौरव की बात है कि राज्य के बहादुर सैनिकों को अब तक 10,096 वीरता पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने बहादुर सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 52 शहीदों के सभी आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की राशि दी गई और इन परिवारों में से 48 परिवारों के आश्रितों को रोजगार भी प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों को 20 लाख रुपए और युद्ध और सैन्य अभियानों के दौरान 50% शारीरिक रूप से विकलांग होने वाले सैनिकों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विभिन्न सैन्य अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों के आश्रितों के लिए पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी उपलब्ध करवाने का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने जिला मंडी के सुंदरनगर और जिला बिलासपुर के झंडूता में CSD विस्तार केंद्र खोलने के लिए 45,63,000 रुपए की राशि भी आरट्रैक शिमला को जारी की गई है। सर्वप्रथम मैं आज के इस अवसर पर जहां हम विजय दिवस मना रहे हैं और इस विजय दिवस के इस अवसर पर जो हमारे वीर सैनिक जिन्होंने इस देश की विभिन्न लड़ाइयों में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने जीवन की आहुति दी, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके योगदान को स्मरण करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। स्वाभाविक रूप से आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण के साथ साथ में हमारे लिए गर्व का भी विषय है। आज के दिन भारत ने पाकिस्तान के साथ 13 दिन चली लंबी लड़ाई के बाद 16 दिसंबर 1971 को विजय प्राप्त की थी और इस दिन को ना सिर्फ भारत की सेना की निर्णायक विजय के रूप में देखा जाता है अपितु यह दिन आधुनिक सैन्य इतिहास में अद्वितीय रूप से भारतीय सैनिकों की बहादुरी और साहस का जश्न के रूप में मनाया जाता है। 1971 के इस युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता के आगे पाकिस्तान पस्त होकर 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण कर हार स्वीकार की थी। ये भी समझता हूँ कि एक बहुत ऐतिहासिक घटना है और जिस घटना के बाद
सारा परिदृश्य ही बदल गया था। भारतीय सेना की शक्ति का प्रदर्शन जिस रूप में वहां देखने को मिला था उसको आज भी हम स्मरण करते हैं। भारतीय सेना की जांबाज बहादुरी की बदौलत पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और बांग्लादेश अलग से देश बना। 1971 की इस लड़ाई में हिमाचल प्रदेश के बहादुर सैनिकों ने वीरता का इतिहास रचा था और आज भी यहाँ के सैनिकों की जांबाजी के किस्से सुने जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर जिला के झंडुता और मंडी जिला के सुंदरनगर क्षेत्र के लिए ESM के दो विस्तार केंद्रों का शुभारंभ किया। सैनिक कल्याण, जल शक्ति और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि वे स्वयं भी मुक्ति वाहिनी का हिस्सा रह चुके हैं जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर एक अलग देश के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सेवारत व पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। आर्मी प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना की शानदार जीत का जश्न मनाने का ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत की ये सबसे बड़ी जीत थी। उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना के साहस और पराक्रम का उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।